नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दूसरे दिन भी बैंकों में लटके रहे ताले, 1000 करोड़ का कारोबार प्रभावित। शहर में देश भर के 150 अस्थि रोग विशेषज्ञों का जुटान, आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर विचार। पोटका में 2 ट्रकों में हुई भिड़ंत, दोनों चालकों की मौत। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश की अंतरिम बजट, व्यापारियों ने देखा सीधा प्रसारण। अब खबरें विस्तार से। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इन 2 दिनों में तकरीबन 1000 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का आकलन लगाया जा रहा है। देश विरोधी नीति नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, UFBO जिंदाबाद। इस 2 दिवसीय हड़ताल को 9 बैंकों के यूनियनों ने समर्थन दिया है और देश भर में करीब 10 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर है। उनकी मुख्य मांगों में वेतन समझौता, विलय पर रोक, 5 दिवसीय बैंकिंग परिवार पेंशन में सुधार आदि प्रमुख है। कोई भी रुचि नहीं दिखाई गई है हमारी मांगों के प्रति, और इसलिए बाध्य होकर हम संघर्ष की राह पर हैं। हमारे ग्राहकों को भी जो कठिनाई हो रही है इसकी भी जिम्मेवार पूरी तरह से सरकार है, क्योंकि उन्होंने विगत 27 माह से अधिक समय के लिए हमारी मांगों को लंबित रखा है, और अभी भी कब हमारी मांग पूरी होगी ऐसा कोई संकेत उधर से नहीं आया। कर्मचार विरोधी नीति हाय हाय। शहर में देश भर के 150 से ज्यादा अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों का जुटान हुआ है और 2 दिवसीय सेमिनार में चिकित्सा की अत्याधुनिक पद्धतियों पर अनुभवों का आदान प्रदान किया जा रहा है। जमशेदपुर ऑर्थोपेडिक क्लब द्वारा इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में देश भर से 150 से ज्यादा अस्थि रोग विशेषज्ञ शहर में हैं। उन्होंने ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति और अत्याधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही विशेषज्ञों ने अस्थि रोगों के उपचार और प्रकार पर भी प्रकाश डाला। इसमें दिल्ली से, अहमदाबाद से और भी सभी जगहों से डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट आए हैं, और जो भी नई टेक्निक है, जो भी नई डेवलपमेंट हो रहे हैं ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में, उस विषय में हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और यह हमारे आने वाले नए सर्जन्स, नए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं यहाँ पर जो सब सम्मिलित हुए हैं, उनको यह सीखने को मिल रहा है कि नई टेक्निक जो आ रही है हमारे देश में, उससे वो लोग जो सीखेंगे और लाभान्वित होंगे। पोटका थाना क्षेत्र में शनिवार को 2 तेज रफ्तार ट्रकों की सीधी भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 ट्रक चालकों की मौत हो गई। दोनों ट्रकों की रफ्तार तेज थी और हेड ऑन कोलाइड हुई है। दोनों चालकों में एक बिहार राज्य के छपरा निवासी था जिसका नाम हेमलाल राम था, जबकि दूसरा चालक सरायकेला जिले का था जिसका नाम रसूल गोप था। घटना रात करीब 2 बजे की है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हम लोग रात में गश्ती करने गए थे, तो उधर से एक मतलब सर फोन किए थे मेरे सर, क्या वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, तितला पे एक्सीडेंट हो गया हुआ है। तो हम लोग गए वहाँ पे देखने के लिए, तो देखे 2 ट्रकों के बीच, एक ट्रक थे और एक हाईवा थी, ये दोनों के बीच टक्कर मार गई और दोनों ड्राइवर ही मर गए। केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम बजट शनिवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सीधा दर्शाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुबह से ही सभी अधिकारी और सदस्य टेलीविजन के सामने डटे रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए बजट को किसी ने सराहा तो किसी ने कहा कि पिछले बजट को ही थोड़ा परिवर्तन कर पेश कर दिया गया। वर्तमान देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप बजट अच्छा प्रतीत हो रहा है प्रथम दृष्टि में, कोण में।
माननीय वित्त मंत्री ने सबसे प्रायोरिटी में नेशनल सिक्योरिटी को रखा है, जो कि हर भारतीय के लिए हर्ष का विषय है। दूसरा, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा फंड एलोकेशन है, एक में 96,000 करोड़ और एक में 69,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है, जिससे कि हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्य एक हब बनेंगे और जो भारत से एक बड़ी राशि प्रति माह प्रतिवर्ष देश के बाहर जाती है, लोग शिक्षा पाने के लिए बाहर जाते हैं, चिकित्सा कराने के लिए बाहर जाते हैं, अगर उसके अनुरूप देश में ही व्यवस्था की गई तो देश का धन देश में रहेगा। सिख समाज के लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात करते हुए एक आम सभा के जरिए CGPC के नए प्रधान के चुनाव की मांग की है। गौरतलब है कि हत्या के प्रयास के मामले में CGPC के प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे फिलहाल जेल में है। सिख समाज के लोगों का कहना है कि मुखे जेल से ही मनमानी चलाए, इसलिए जल्द से जल्द नए प्रधान का चयन जरूरी है। उनका नेतृत्व पूर्व प्रधान हरनेक सिंह कर रहे थे। बहुत दिन हो गया, अभी तक तो मुखा को ये लोग डिस्चार्ज नहीं किया कमेटी से और नया प्रधान का चुनाव विधान अनुसार नहीं किया। कोई 5 आदमी मिलकर किसी को प्रधान नहीं बना सकता। जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाने के लिए उनको चिट्ठी दिया है और उसी की नकल कापी है यहाँ DC SP और SDO को देने के लिए आए हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी संस्था इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सरिता प्रसाद शनिवार को शहर पहुंची। उन्होंने जमशेदपुर इकाई का निरीक्षण किया और सदस्यों से आने वाले दिनों की कार्यक्रमों की चर्चा की। क्लब द्वारा स्लम क्षेत्रों के लोगों की मदद और उनके उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों पर भी चर्चा की गई। इनर व्हील हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सेवा और मित्रता दोनों को समभाव से काम करते हैं और हम कोई NGO नहीं है, हम अपना फंड अपने इकट्ठा करते हैं और उससे समाज की सेवा करते हैं। आदिवासी सुरक्षा परिषद द्वारा आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री से की है। परिषद का कहना है कि आदिवासी महिला से ब्याह रचाकर गैर आदिवासी पुरुष बाद में आदिवासियों को मिलने वाली तमाम सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। उन्होंने ऐसे मामलों में कड़े कानून बनाने की मांग उठाई है। से सालों से आदिवासी महिला के साथ गर्भ जात में फंसा करके शादी कर लिया जा रहा है, खास करके वैसे महिलाओं के साथ जो नौकरी पेशा करती है। अभी हाल में बोकारो में एक मामला बहुत प्रकाश में आया था, PhD की भी महिला जो नौकरी करती है उसको गैर आदिवासी ने शादी कर लिया। आदिवासी सुरक्षा परिषद बार बार इस बात का आंदोलन कर रहा है कि आदिवासी महिला का शादी के बाद उनको जो आरक्षण का लाभ मिलना है, उनको चुनाव का लाभ मिलना है और जमीन खरीदने का लाभ मिलना है, उस लाभ से वंचित किया जाए। लेकिन अधिकतर आज के समय में जो भी नौकरी पेशा करने जाती है हमारी बच्ची लोग, उनको प्रेम जाल में फंसा करके शादी, गैर आदिवासी लोग शादी कर। मानगो थाना अंतर्गत दाई गुट्टू से गत 25 जनवरी से 11 वर्षीय बच्ची के लापता होने के बाद उसके परिजन गुहार लेकर पुलिस कप्तान के पास पहुंचे। आपको बताते चले कि 11 वर्षीय मुखबधिर बच्ची 25 जनवरी शाम से रहस्यमय ढंग से लापता है। वो घर के बाहर खेल रही थी। हालांकि बच्ची को टाटानगर पुलिस ने मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट को सुपुर्द कर दिया था। कंप्लेंट दर्ज करवाई, वहां से ना थाना से कोई आए मेरे घर पे इंक्वायरी के लिए बच्ची मिली या नहीं, या ना मोहल्ला में पेट्रोलिंग करने के लिए आए। फिर पता चला टेलको मदर टेरेसा से खबर मिली कि बच्ची 25 तारीख को शाम 6 बजे रेलवे स्टेशन में रो रही थी, तो उन्होंने सौंप दिया स्टेशन से लेके उन मदर टेरेसा होम में सौंप दिया गया। वहाँ से मुझे खबर मिली 27 तारीख को, तो मैंने वहाँ से बच्ची को अपना लेकर आया। धतकीडी के रहने वाले शंभु जायसवाल ने शनिवार को पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा है और उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है। धतकीडी के रहने वाले शंभु जायसवाल का कहना है कि प्रॉपर्टी को लेकर उन्हें और परिजनों को धमकाया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। मेरा नाम शंभु जायसवाल है, धतकीडी मार्केट एरिया से मैं आया हूँ। अभी DC साहब से मिलने आया था, इससे पहले भी मैं DC साहब से मिल चुका हूँ, SSP साहब से मिल चुका हूँ।
ये पूरा मामला अवैध निर्माण और पानी बिजली के अतिक्रमण का है, जिसको रोकने के लिए मैंने RTI के थ्रू और अन्य अपने आवेदनों के थ्रू उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके वजह से मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, विशेषकर मेरे परिवार की महिला तक को भी नहीं छोड़ा गया है। इस पूरे शिकायत को लेकर मैं थाना और जिला के सभी अधिकारियों से मिला हूँ, लेकिन अभी तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ जाँच दिखा करके इस पूरे मामले को रोक दिया गया है और हमें प्रताड़ित होने दिया जा रहा है। मेरा परिवार पानी तक की सुविधा के लिए, पीने के पानी के लिए सुविधा के लिए जूझ रहा है पिछले 2 साल। राज्य का पहला 3 देवियों का भव्य मंदिर शहर में बनकर तैयार है। 20 फरवरी को मंदिर की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य मंदिर साक्षी के ठाकुर बागी रोड में बनाई गई है। मारवाड़ी समाज द्वारा निर्मित इस मंदिर में महालक्ष्मी माता, अंजनी माता और रानी सती दादी की प्रतिमा लगाई गई है। राज्य में ये पहली मंदिर है जहां एक साथ 3 देवियों को स्थापित किया गया है। 20 फरवरी को विभिन्न प्रांतों से आए पुरोहितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा। जमशेदपुर में पहली बार, संभवतः पूरे राज्य में पहला ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि यहां महालक्ष्मी, रानी सती दादी और अंजनी माता जी के प्रतिमा का पूरे विधि विधान के साथ विद्वान पुरोहितों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगामी 20 फरवरी से 27 फरवरी तक इसका आयोजन। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।